चीज में है। रेणी की घटना को अगर आपदा कहें तो मुझे हम जस्टिस न्याय ही नहीं करेंगे। ये पूरी तरह से आपराधिक क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। आज से 50 साल पहले रेणी क्षेत्र में देश और दुनिया को जंगल को बचाने का वन आंदोलन चला और उसके प्रभाव से तत्कालीन सरकार ने जहाँ ये आपदा घटी है, जहाँ से एवलांच आया है, उस क्षेत्र के जंगल को काटने पर प्रतिबंध लगा दिया। जिस क्षेत्र पर सरकार ने जंगलों के काटने तक पर प्रतिबंध लगा दिया, उसी के मुहाने पर, उसी क्षेत्र के समीप पर या मुहाने पर इतने बड़े पौध उद्योग को लगाने की अनुमति किसने दी? लेकिन जब आपदा वन के नीचे आती हैं, जो कम से कम 200 लोग वहाँ पर मारे जा चुके, 204 तो सरकारें कह रही हैं, तो अगर रेणी ऋषिगंगा प्राउ प्रोजेक्ट में और तपोवन के पावर प्रोजेक्ट में जो लोग मरे हैं वो प्राकृतिक आपदा नहीं, वो मैन मेड आपदा का शिकार है। सरकार को इस बात की जांच होनी चाहिए।